राज के तो श्रृंगारों में मिलावट हो गई। पहले हमारे देश में हमारी माताएं बहन करती थी अपने अपने पतियों के लिए, पति मेरा प्रसन्न होगा ना, मेरा सिंदूर लगाऊंगी तो मेरा पति का आयु बढ़ेगा, सही ना। अब आजकल क्या चल रहा है मुझे नहीं। मैं अपने भारत की संपूर्ण नारी समाज से प्रार्थना करूंगा, मेरी बहनों मेरी माताओं, श्रृंगार तो पति के लिए, पति के रहने तक ही श्रृंगार शोभा भी देता है। उनसे पूछो जिनका पति नहीं है तो चाहते हुए श्रृंगार नहीं कर सकते। श्रृंगार करना तो पति के लिए करना, और दूसरा श्रृंगार करना तो गिरधर गोपाल के लिए करना, तीसरे के लिए नहीं करना। पर मेरे अवदेश की माताएं बहनें ना पति के लिए कर रही हैं, ना गिरधर गोपाल के लिए कर रही हैं, अब तो मन चलों के लिए कर रही। ये बड़े दुर्भाग्य का बात है, पीड़ा से बोल रहा हूं। मेरे देश की आदरणीय सम्माननीय बहनों बेटियों माताओं, आपके पास यही तो था, और यह भी तुम गवा रही हो, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अगर यह देश चल रहा है तो सतियों के सत से, ब्रह्मचारियों के बल से, सन्यासियों के त्याग से, गृहस्थियों की सेवा से, बाण प्रस्तियों के शुद्धिकरण से चल रहा है, नहीं तो डूबने में अब देर नहीं है। आए दिन कोई ना कोई नई बीमारी का जन्म हो रहा है, आए दिन समस्याओं का जन्म हो रहा है, आए दिन समस्याएं हमें जकड़ रही हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि श्रृंगार मन चलों के लिए नहीं, होटल में जाने के लिए नहीं होना चाहिए, आशिकों को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए। यह श्रृंगार या तो होना ही नहीं चाहिए, अगर होना है तो अपने पति के लिए और या मेरे गिरधर के लिए होना चाहिए, किसके के लिए। अरे नादान मन, इन बहारों में मत उलझ। ये फुहार सामन की एक बदली की तरह है, ये बाहर का सुख एक उसी बदली की तरह है, बादल की तरह है। जीवन में सुख भी हो टेम्पररी नहीं होना चाहिए, परमानेंट। तुम पति के होते हुए श्रृंगार करती हो तो समाज तुमको बोलो आदर से देखता है, पर पति के न रहने पर तुम अगर थोड़ा ही श्रृंगार करती हो तो दुनिया तुमको शक से देखती है, और अगर कोई हमें शक से देखे हम सही हो तो ये डूब मरने वाली बात है। तो आदरणीय माताओं बहनों के लिए बेटियों के लिए मेरी अपील है कि श्रृंगार किसके लिए करना है। अगर भक्ति के रास्ते पर हो तो गिरधर के लिए करना, संसार के रास्ते पर हो तो पति के लिए करना, अगर तीसरा श्रृंगार तुमने किया तो तुम्हारा नाम पतिव्रताओं में नहीं वैश्याओं में लिखा जाएगा।